हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिगमेंट ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा आईसीडीआर में, वो हम प्रोसेस जो हमने कल से स्टार्ट की थी उसी के कंसर्न में आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हमने मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर लिया था, याद है आप लोगों को? मर्चेंट बैंकर की हेल्प से हमने प्रिपेयर किया ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट्स हमने प्रिपेयर किया। तो आज हम वही रेगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो रेगुलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट। ये हमारी रेगुलेशन नंबर 25 एंड 123 क्या प्रोसीजर रहने वाली है, हम वो एंटायर प्रोसेस यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लीड मैनेजर की हेल्प से प्रिपेयर किया ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। उसकी तीन कॉपीज हमें जमा करानी है सेबी के पास। तो पहला स्टेप आपका रहेगा सबमिट, इसको मैं शॉर्ट में डीओडी लिखूंगी अभी, डीओडी और इसको ओडी। सबमिट 3 copies ऑफ डीओडी, 3 copies ऑफ डीओडी किसको? टू सेबी। तो सेबी को हमने क्या किया, डीओडी की 3 copies सबमिट कराई। जब आप सेबी को जमा करा रहे हैं तो सेबी के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज को भी जमा करा दीजिएगा। सेबी के साथ साथ किसको और जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज को भी सबमिट करेंगे। आप यहाँ पे सेबी को जो डीओडी की कॉपीज दे रहे हैं उसके साथ कुछ फर्दर अटैचमेंट और अटैच करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से अटैचमेंट जाएंगे? अलोंग विद इस डीओडी के साथ क्या क्या अटैचमेंट करना है, देखिए लीड मैनेजर सर्टिफाई करेगा जो चीजें हैं वो अटैचमेंट करनी है। तो पहला, लीड मैनेजर का कंपनी के साथ अग्रीमेंट हो गया है। अग्रीमेंट हमने लास्ट रेगुलेशन में पढ़ा था ना, जिसमें जितने भी इंटरमीडियट अपॉइंट करें उनके साथ अग्रीमेंट एंटर करती है कंपनी। तो हम पहले ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि हमने अग्रीमेंट एंटर कर लिया है। तो अग्रीमेंट विथ कंपनी एंड लीड मैनेजर, एक तो अग्रीमेंट की बात हो गई। दूसरा इन्होंने ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट जो है वो यहां पे अटैच करना है, ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट। और अगर डिबेंचर्स हैं तो उस केस में डिबेंचर्स का जो ट्रस्टी है उसके से साथ भी आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेना है। तो अब यहां पे हमने सेबी को जमा कराया, तो सेबी क्या करेगा, क्या करने वाला है सेबी? सेबी इसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस रेज करेगा। तो सेबी क्या करेगा, शैल एग्जामिन एंड रेज ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, अब ये ऑब्जर्वेशन कितने पीरियड में रेज कर सकते हैं? ऐसा होना कि आपने डीओडी जमा कराया और सेबी वो लेके बैठ गया, बोला ठीक है आप देखेंगे कभी, और 5 साल बाद बोला अच्छा ठीक है तुम ठीक हो, तुम ले आओ अभी आईपीओ, हद हो गई है मुझे पैसा आज चाहिए, तो थोड़ी ना आप इतना अनड्यू टाइम ले लेंगे। तो यहाँ पे एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा, उसी पीरियड के अंदर आप जो है ये इशू का जो भी ऑब्जर्वेशन रेज करना है, आपको मना करना है मना कर दीजिए, आपको कुछ करेक्शन कराना है वो करेक्शन करा लीजिए। तो ये ऑब्जर्वेशन रेज कर सकता है विद इन 30 डेज। कहां से 30 डेज? अभी मैं 4 डेट्स बता रही हूँ, उसमें से लेटर डेट होगी, है ना? तो लेटर ऑफ पहली डेट जिस दिन आपने ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल किया था, तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डीओडी, तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डीओडी, तो जो आपने डीओडी फाइल किया था वो डेट ले लीजिए। या फिर
मान लीजिए डीओडी आपने जो फाइल कर दिया उसके बाद सेबी ने आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन डिमांड कर लिया, लीड मर्चेंट बैंकर को बुला लिया, बोले यार तुमने ये तो भेजा ही नहीं, तो क्लैरिफिकेशन अगर डिमांड किए हैं तो जिस दिन लीड मैनेजर क्लैरिफिकेशन सबमिट करेगा वो डेट, तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लैरिफिकेशन बाय लीड मैनेजर, तो लीड मैनेजर ने जो क्लैरिफिकेशन सबमिट किए थे ना वो वाली डेट, क्योंकि डीओडी आपने फाइल कर दिया, आधा दूरा फाइल किया, कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की, सेबी ने डिमांड कर लिया, तो सेबी का पीरियड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सेबी बोलेगा तुम पहले अपना काम पूरा कंप्लीट कर लो, जिस दिन तुम अपना सारा काम कंप्लीट कर लोगे उसके बाद से हमारा पीरियड स्टार्ट होगा। थर्डली, कभी कभी सेबी जो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज वगैरह जो है उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकती है। मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले ली कि भाई तुम्हारा कोई टैक्स वैक्स बाकी तो नहीं है, तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सबमिटेड बाय द स्टैट्यूटरी बॉडी रेगुलेटरी बॉडीज जो भी है, तो कोई भी डेट ऑफ सबमिशन बाय स्टैट्यूटरी बॉडी। एंड लास्टली, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आप आईपीओ लेके आना चाहते हो तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है, तो जिस दिन आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया था स्टॉक एक्सचेंज से, तो डेट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल received from stock exchange, in principle approval received from stock exchange। तो देखो ये चारों में से जो भी लेटर डेट होगी, देखो पहले डेट कौन सी हुई, फाइलिंग ऑफ डीओडी, दूसरा सेबी ने आपसे कोई क्लैरिफिकेशन डिमांड किया था वो आपने सबमिट किया, थर्डली सेबी ने किसी स्टैट्यूटरी बॉडी से भी क्लैरिफिकेशन डिमांड किया था तो उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की वो डेट, या फिर स्टॉक एक्सचेंज से आपको अप्रूवल ही नहीं आई अब तक, तो मतलब स्टॉक एक्सचेंज के भी कोई ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं, उनके भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आप कौन कौन से नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं या कुछ भी, तो ये सब डेट जो भी होंगी इनमें से जो भी लेटर डेट होगी उसके 30 डेज के अंदर अंदर सेबी क्या रेज कर सकता है, अपने ऑब्जर्वेशन रेज कर सकता है। अब सेबी की ऑब्जर्वेशन ना आए ऐसा तो बहुत ही रेयरेस्ट केस है, सेबी है भाई गुंडा है एकदम, जो लिस्टेड कंपनीज है ना वहां पे गुंडा करती चलती सेबी की बस, तो सेबी जो है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रेज अगर करता है, ऐसा मानते हैं अगर, वैसे तो करेगा करेगा, तो अगर करता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली ऑल्टर करना पड़ेगा, तो अब आप क्या करने वाले हैं, मेक ऑल्टरेशंस make alterations in draft offer document as per observations observations ke accordingly aapko kya karna hai usko alter karna hai and submit altered copy of draft offer document to SEBI। तो सेबी को दोबारा से हाईलाइटेड बता देना कि देखो सेबी हमने ये करेक्शन करने के लिए बोला था, हमने ये करेक्शन कर दिए हैं, तो दोबारा से ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट हमने किसको जमा करा दिया, सेबी को जमा करा दिया। अब सेबी बोलता है अच्छा ठीक है तुमने सारे करेक्शन कर लिए हैं, अब आपको क्या करना है, ऑफर डॉक्यूमेंट जमा करना है। आप क्या करना है, आपको ऑफर डॉक्यूमेंट जमा कराना है, तो आपको करना है सबमिट ऑफर डॉक्यूमेंट टू आरओसी, तो आरओसी को हम ऑफर डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, साथ ही में इसकी कॉपी देंगे, कॉपी एंड कॉपी टू सेबी को कॉपी देनी पड़ेगी आपको, तो सेबी ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज, तो सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस को आपको क्या करना है, कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। अच्छा अब सब कुछ हमने डिस्क्लोजर दे दिया है, सेबी के ऑब्जर्वेशंस हमारे रिसीव हो चुके हैं, जहां जहां जो जो ऑल्टरेशन हमने करना था कर दिया है,
फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनली किसके पास जमा हुआ, आरओसी के पास जमा हुआ, और आरओसी के साथ साथ हमने इसको किसको जमा करा दिया, सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज को भी जमा करा दिया। इस तरह से हमारा ये एंटायरली रेगुलेशन कंप्लीट होता है, जिसमें फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में हमने पढ़ा। एक बार ये पूरा नोट कर लीजिए आप लोग, इसी में फर्दर कुछ और बातें भी बताऊंगी, एक बार नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए ये प्रोसेस आप लोगों को क्लियर है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ और बातें भी बताने जा रही हूँ आप लोग को। जैसे हमने पूरा एंटायर प्रोसेस पढ़ लिया, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे सेबी ने ऑब्जर्वेशन रेज किया और आप ऑल्टरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लीड मैनेजर का अगेन एक और रोल आएगा, और वो क्या करने वाला है, ऑब्जर्वेशन जो रेज हुए, ये ऑब्जर्वेशंस, आफ्टर दीज ऑब्जर्वेशंस लीड मैनेजर shall submit documents to SEBI. तो SEBI को वो कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराएगा। अच्छा, क्या डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराएगा, जैसे क्या क्या जमा कराएगा वो? नंबर वन, वो जमा कराएगा कि आपने जो जो ऑब्जर्वेशन रेज किए थे ना, वो सारे ऑब्जर्वेशन हमने कंप्लाई विद कर लिए। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आर कंप्लाइड विद, ठीक है, ऑब्जर्वेशन आर कंप्लाइड विद, हम कंप्लाइंस तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ऑब्जर्वेशन कंप्लाइड विद है, ऐसा वो एक डिक्लेरेशन देगा। साथ ही में ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट जमा कराएगा कि अब वापस से कि सारा काम सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट। बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी लगाएगा कि जो भी प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इशू ओपनिंग से पहले आ चुका है, उसके लिए उनको शेयर अलॉटमेंट किया जाएगा। तो कॉपी ऑफ बी आर फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू प्रमोटर। तो प्रमोटर को सिक्योरिटीज अलॉटमेंट के कंसर्न में यहाँ पे जो भी बीआर पास हुआ है वो आप कॉपी लगा देंगे, साथ ही में ऑडिटर्स की रिपोर्ट इसमें अटैच कर दी जाएगी। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो ऑब्जर्वेशंस रेज होने के बाद लीड मैनेजर वापस से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। फाइन, देखिए इस रेगुलेशन के साथ ही हमें नेक्स्ट रेगुलेशन भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा हॉचपॉच हो जाएगा लेकिन समझना ही पड़ेगा हमें। ये हमारा रेगुलेशन 25 हम पढ़ रहे हैं, इसी के साथ नेक्स्ट रेगुलेशन 26 के बारे में भी मैं आपको कुछ डिटेल्स बता रही हूँ। रेगुलेशन 25 26 दोनों साथ साथ पैरेलल चलती है, अलग अलग उनको आइसोलेशन में नहीं पढ़ते हैं कभी भी। तो रेगुलेशन 26 है डिस्क्लोजर, पब्लिक करना है हमें, पब्लिक किसको, अपने जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट है उसको हमें पब्लिक करना है, लोगों को बताना है। तो कब बताएंगे, कितने दिन तक बताएंगे, क्या कमेंट्स उनसे रिसीव कर सकते हैं, उसके बारे में रेगुलेशन 26 बोलता है। अब आप ध्यान समझना, इसी प्रोसेस में मैं फर्दर एड ऑन कर रही हूँ। हमने सेबी को डीओडी सबमिट किया था, ठीक है, हमने सेबी को डीओडी सबमिट किया था, इसी टाइम पे इसी वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड ऑन वेबसाइट फॉर पब्लिक कमेंट्स, फॉर पब्लिक कमेंट्स, और ये रहेगा 21 डेज के लिए। फॉर हाउ मेनी डेज, 21 डेज के लिए। दैट मींस 21 दिन तक हमने लोगों के लिए इसको ओपन कर दिया है कि वो अपने कमेंट्स दे सकते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, उस रेस्पेक्टिव इशू के कंसर्न में कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो वो अपने जो भी कमेंट्स देना चाहते हैं वो 21 डेज के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये रेगुलेशन 26 बता रही हूँ आप लोग को। अच्छा, अब ये अपलोड किसकी वेबसाइट पे किया जाएगा, तो जो हमें अपलोड करना है वो अपलोड किया जाएगा तो सेबी की वेबसाइट पे, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, और साथ ही में लीड मैनेजर की वेबसाइट पे। तो तीन वेबसाइट पे हम इसको अपलोड करेंगे। तो किस किस की वेबसाइट पे अपलोड करोगे इसको, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज एंड लीड मैनेजर। तो इन तीन लोगों की वेबसाइट पे हमें इसको अपलोड करना है। थोड़ा हॉचपॉच हो रहा है पूरा एंटायर डायग्राम, क्योंकि काफी बड़ा प्रोसेस है, बोर्ड इतना ही अवेलेबल है, तो हमें दोनों सेक्शंस को, दोनों रेगुलेशंस को एक साथ ही समझना पड़ेगा, इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
मैं एक बार वापस समझा देती हूँ आप लोगों को। रेगुलेशन 25 में हमने इंटायर प्रोसेस पढ़ी, उसके बाद रेगुलेशन 26 जो है उसको पब्लिक करने के लिए बोलता है, लोगों को बचाने के लिए बोलता है। तो जब हमने सेबी को डीओडी सबमिट कराया था, सेबी को डीओडी सबमिट कराया था, उसी वक्त हमें उसको वेबसाइट पे अपलोड करना है। तीन लोगों की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, नंबर वन सेबी की वेबसाइट पे, नंबर टू स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, और साथ ही में जो आपका लीड मैनेजर है उसकी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, और ये 21 डेज तक अवेलेबल रहेगा। देन लोगों को सपने थोड़ी ना आ रहे कि आपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए, ऑब्वियसली नॉट। लोगों को बताना पड़ता है, जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो जो लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है वो हमेशा पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू किया जाता है। तो किसके थ्रू किया जाएगा? पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू। तो हमें यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट भी देना है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रफ कर देती हूँ मैं, हाँ जी। यहाँ पे जो आपने अपलोड किया है और सेम इसी रेट से विद इन टू डेज आपको देना है पब्लिक अनाउंसमेंट। और पब्लिक अनाउंसमेंट सेबी में तीन न्यूज़पेपर, मोस्टली आप देखना तीन न्यूज़पेपर जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल। तो रीजन, तो हम यहाँ पे थ्री न्यूज़पेपर्स में ये पब्लिक अनाउंसमेंट दे देंगे, और फिर उसके बाद लोगों से जो भी कमेंट रिसीव करेंगे वो सारे के सारे कमेंट्स हमें किसको बताने हैं? सेबी को बताने हैं। तो जब सेबी ये ऑब्जर्वेशंस रेज करता है उसमें इन कमेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे जो भी कमेंट्स रिसीव्ड यहाँ पे इन्फॉर्म सेबी। तो सेबी को बता दीजिए कि क्या क्या कमेंट रिसीव हो रहे हैं, एंड देन आपका नॉर्मल प्रोसेस एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगा। तो जो रेगुलेशन 26 है उसमें ज्यादा कुछ भारी भड़कम बातें नहीं है, सिर्फ आपको दो तीन बातें इंपॉर्टेंट बोली गई है। पहली इंपॉर्टेंट बात, जब आपने सेबी को इन्फॉर्म किया था, डीओडी फाइल किया था, उसी वक्त उसको वेबसाइट पर अपलोड करके पब्लिश कर दीजिए। 21 डेज के लिए पब्लिश रहेगा, और 21 डेज जो है उसमें जो भी कमेंट रिसीव होंगे वो कमेंट्स हम किसको बताएंगे? सेबी को इन्फॉर्म कर देंगे, और जब सेबी ऑब्जर्वेशन रेज करता है तो वहां पे वो कमेंट्स भी कंसिडर करता है। देन उसके बाद हमने लोगों को इन्फॉर्म करना है कि भैया वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो वेबसाइट पे अपलोडेड है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? उनको पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा, और ये पब्लिक अनाउंसमेंट हम तीन न्यूज़पेपर्स के थ्रू देने वाले हैं। तो थ्री न्यूज़पेपर में पब्लिक अनाउंसमेंट जाएगा। कौन कौन से तीन न्यूज़पेपर होते हैं? इंग्लिश, हिंदी एंड वर्नैक्युलर लैंग्वेज में हमें इसको सेंड करना है, ओके? और ये जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप इंश्योर करेंगे कि वेबसाइट पे अपलोडेड है सॉफ्ट कॉपी में, और अगर कोई पर्सन आपसे हार्ड कॉपी डिमांड करता है तो आप हार्ड कॉपी भी सबमिट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज है, उसे कोई पर्सन बोलता है कि मुझे तो हार्ड में सबमिट करो, तो स्टॉक एक्सचेंज हार्ड कॉपी में सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए जो भी रीजनेबल कॉस्ट है वो चार्ज की जा सकती है। तो इस तरह से हमारे दो रेगुलेशन 25 एंड 26 यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इन सबको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये नोटिंग सबका कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार इन दोनों रेगुलेशन को एक बार समरी करके आपको वापस बता देती हूँ कि है क्या चीज। एक बार देखते हैं वापस से हम लोग। तो ये हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं एक बार समरी बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या पढ़ा हमने दोनों रेगुलेशन में, रेगुलेशन 25-26 के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया, डीओडी जो है वो सेबी को सबमिट किया। सेबी को जब सबमिट किया था उसके साथ ही हमने स्टॉक एक्सचेंज को भी सबमिट किया। जब सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट किया गया उसके बाद इमीडिएटली हमने वेबसाइट पे भी अपलोड किया। वेबसाइट थी तीन लोगों की, सेबी की, स्टॉक एक्सचेंज की, सेबी की, स्टॉक एक्सचेंज की, और साथ ही में लीड मैनेजर की। ये वेबसाइट पे जो ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स हैं ये हैं फॉर 21 डेज।
फॉर 21 डेज, वेबसाइट पे 21 दिन के लिए अपलोड किया गया है। और जब आपने यहाँ पे सैमी को भेजा, वेबसाइट पे अपलोड किया, तो उसी के साथ हमने विद इन टू डेज पब्लिक अनाउंसमेंट भी दे दिया। पब्लिक अनाउंसमेंट 3 न्यूज़पेपर्स। अब ऑब्वियसली बात है, लोगों से कमेंट्स रिसीव करेंगे आप, तो कमेंट्स जो भी पब्लिक है उनसे आपने कमेंट रिसीव कर लिए हैं। अब जो भी कमेंट्स आपने रिसीव किए हैं वो आप इन्फॉर्म कर दीजिए सैबी को, इन्फॉर्म सैबी, और अब सैबी जो है ऑब्जर्वेशन रेज करने के लिए रेडी है। तो सैबी क्या करेगा, रेज ऑब्जर्वेशन, और फिर वही सेम वही 30 डेज, और 4 डेट्स हमारी है विच एवर इज लेटर, और देन जो भी ऑब्जर्वेशन आए हैं उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप करेक्शंस करेंगे। करेक्शंस करने के बाद उनको वापस से रिवाइज जो है सैबी के पास सबमिट करेंगे, एंड रिवाइज सबमिशन के बाद फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी के पास सबमिट करेंगे, जिसकी कॉपी आप सैडी एंड स्टॉक एक्सचेंज को भी सबमिट करेंगे। तो ये हमने दोनों रेगुलेशन को मिक्स करके फाइनल रेगुलेशन हमारा बना दिया। आई गेस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में मैंने दोनों को अलग अलग पढ़ाया था आप लोगों को, ताकि आपको इंडिविजुअल रेगुलेशन भी पता रहे। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ से लेकर के ये वेबसाइट से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा रेगुलेशन नंबर 26 का है, बाकी रेस्ट ऑफ द एंटायर पोर्शन हमारा रेगुलेशन नंबर 25 का है। अब नेक्स्ट रेगुलेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत छोटी छोटी रेगुलेशंस हैं, ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर, तो देखते हैं नेक्स्ट रेगुलेशन। एंड रेगुलेशन नंबर 29। अच्छा, ये तीनों रेगुलेशन वही सेम एफपीओ में सेम टू सेम चलेगी। ये बताती है फेस वैल्यू के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, प्राइस बैंड के बारे में। फेस वैल्यू देखिए, वट एवर द फेस वैल्यू इज देयर, वट एवर यू विल हैव टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ द फेस वैल्यू, की कंपनी का शेयर का नॉमिनल प्राइस कितना है। तो सिंपली डिस्क्लोजर के लिए बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। डिस्क्लोजर कहां का दोगे, डिस्क्लोजर डीओडी में, ऑफर डॉक्यूमेंट में, है ना, और कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे वहां पे भी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट और वेबसाइट पे जो अपलोड किया उसमें भी। देन उसके बाद फेस वैल्यू डिसाइड हो गई, आप प्राइसिंग डिसाइड करें कि इशू प्राइस आप क्या डिसाइड करें। प्राइस देखिए, जो प्राइसिंग है या तो आप फिक्स प्राइस के थ्रू ला सकते हैं या फिर आप बुक बिल्डिंग के थ्रू ला सकते हैं। तो जो भी लीड मैनेजर की कंसल्टेशन में आप ऐसा कर सकते हैं, तो इन कंसल्टेशन, इन कंसल्टेशन विद लीड मैनेजर, इन कंसल्टेशन विद लीड मैनेजर क्या डिसाइड कर सकते हैं, या तो फिक्स प्राइस हो सकता है, इधर फिक्स प्राइस मेथड, या फिर क्या कर सकते हैं, बुक बिल्डिंग मेथड, जहां पे बिडिंग कराते हैं अपन, बिडिंग तो बुक बिल्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां पे दो तरीके हो सकते हैं प्राइसिंग के, दिस इज ओके। तो हमारे रेगुलेशन 27 बहुत ही सिंपल सी बात करता है। रेगुलेशन 27 किसके बारे में बात कर रहा है, फेस वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, तो फेस वैल्यू के डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट बता रहा है। रेगुलेशन 28 जो है वो प्राइसिंग के बारे में बता रहा है, तो प्राइसिंग कैसे करोगे, तो प्राइसिंग के दो तरीके बता सकते हैं। अब जो है रेगुलेशन 29 वो हमारा प्राइस बैंड के बारे में बताता है कि प्राइस बैंड कैसे डिसाइड किया जाएगा। एक बार आप ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर रेगुलेशन 29 पे मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रेगुलेशन स्टार्ट करें, रेगुलेशन 29 प्राइस एंड प्राइस बैंड के बारे में। तो वो क्या बोलते हैं देखते हैं। Price and Price Band regulation number 29। देखिए price जो है वो कौन सी केस में होती है, fixed pricing की केस में, जहां हम offer document file करते हैं prospectus के केस में। तो आप price mention करोगे किसमें, आपके prospectus में, या offer document लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो, prospectus ही लिख लेते हैं।
whereas price band जो जाएगा वो red herring prospectus में जाता है. तो red herring prospectus में आप क्या mention करेंगे? Price band mention करेंगे. अच्छा, जब आप price fix करें तब तो कोई कहानी खत्म है, फिर तो कोई issue ही नहीं है. अच्छा, लेकिन जब आप यहाँ पे red herring prospectus में price band डालते हैं तो उसके concern में क्या बोला गया है कि जो भी price band होगा उसमें floor price और एक होती है cap price. Obviously band आप डालोगे price band जिसमें एक lower price होगी और एक maximum price होगी, जिसके बीच में लोगों को bidding करनी है कि किस price से लेकर के किस price के बीच में आप bid कर सकते हो. तो जो floor price और cap price के बीच में gap होगा, किसी भी केस में cap price floor price के 120% से ज्यादा नहीं हो सकती. तो cap price not exceeding 120% of floor price. तो किसी भी केस में आपकी जो cap price है वो floor price के 120% से ज्यादा नहीं हो सकती. Is this okay? And जो भी आपकी price आप issue price decide कर रहे हो वो issue price किसी भी केस में not less than what? Face value. अरे discount पे share issue नहीं कर सकते, तो not less than face value. तो face value से कम कतई आपका price, कौन कौन सी price नहीं हो सकती? एक तो floor price या फिर जो भी final price होगी, ये दोनों ही prices आपकी face value से लेसर नहीं हो सकती है. क्योंकि अगर face value से कम हुई तो discount और फिर companies act का violation जो आप कतई नहीं कर सकते, तो इसीलिए discount पे कोई भी share allowed नहीं होता है. लेकिन याद रखना, जब भी आप फाइनल प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल करेंगे तो फाइनल प्राइस आपकी फाइनल हो चुकी होनी चाहिए. तो जो भी आप फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे, फाइनल प्रोस्पेक्टस जो आप आरओसी को फाइल करेंगे तो वहां पे प्राइस क्या हो जानी चाहिए? फाइनल हो चुकी होनी चाहिए. मतलब एक ही सिंगल प्राइस या फाइनल यहाँ पे फाइल करेंगे. अच्छा, अगर बाई चांस कंपनी प्लान कर रही है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हम प्राइस बैंड या कोई भी प्राइस जो है वो मेंशन नहीं करना चाहते हैं ना, फ्लोर प्राइस या फिर कोई कैप प्राइस ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना चाहते हैं, तो अगर इन केस कंपनी इज नॉट विलिंग टू मेंशन फ्लोर प्राइस या फिर प्राइस बैंड इन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, तो वो क्या करेगी? प्राइस फाइनलाइज कराएगी और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देगी. एडवर्टाइजमेंट जो दिया जाएगा वो इशू ओपनिंग से पहले दिया जाएगा, तो आपको एडवर्टाइज करना है. एडवर्टाइज प्राइस कितने दिन पहले? 2 days and 1 day. 2 days in case of IPO and 1 day in case of FPO. तो FPO के केस में एक दिन पहले आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देकर के प्राइस बतानी पड़ेगी और यहाँ पे 2 days बिफोर बतानी पड़ेगी. किससे? इशू ओपनिंग से. ये डेट्स हम कहाँ से काउंट कर रहे हैं? इशू ओपनिंग से. That means, जिस दिन इशू हो रहा है ओपन उससे कम 2 दिन पहले लोगों को प्राइस के बारे में पता चल चुका होना चाहिए, और FPO कैसे तो कम से कम 1 दिन पहले एटलीस्ट प्राइस पता चल जानी चाहिए. तो दिस इज व्हाट सिंपली अ प्रोविजन रिगार्डिंग प्राइस एंड प्राइस बैंड, जिसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसा टेक्निकल बातें नहीं है, सिर्फ फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बारे में बताता है कि अगर आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो ऑब्वियसली प्राइस बैंड डालोगे, और प्राइस बैंड डालोगे दैट मींस आपको लोअर प्राइस यहां पर प्राइस मेंशन करनी पड़ेगी. तो उनकी लिमिट बता रहा है 120% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एंड सेकेंडली, जो भी आपकी फाइनल प्राइस है वो कतई आपकी फेस वैल्यू से लेसर नहीं होनी चाहिए. गॉट इट? तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा, एक तो प्रोसीजरल पार्ट पढ़ा हमने कि हम किस तरह से फाइल कर सकते हैं अपना ओडी एंड डीओडी, उसके बारे में पढ़ा. देन उसके बाद उसकी पब्लिकेशन की बात करी, और ये 3 छोटे-छोटे से रेगुलेशन जो हमने पढ़े वो प्राइसिंग के बारे में, कि फेस वैल्यू क्या होगी, उसके डिस्क्लोजर्स, देन उसके बाद प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जा सकती है, एंड लास्टली हम प्राइस एंड प्राइस बैंड. देखिए, जो भी आप प्राइस बैंड या जो भी कुछ डिसाइड कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई फाइनेंशियल रेशियो आपका होगा, तो वो फाइनेंशियल रेशियो जरूर डिस्क्लोजर में दे देना. तो किस तरह से बेसिस ऑफ कैलकुलेशन आपको बताना पड़ेगा बेसिकली. तो इन्फॉर्म
बेसिस ऑफ कैलकुलेशन. That means, किस तरह से ये जो फॉर्मूलाज निकाले गए हैं, किस तरह से फ्लोर प्राइस डिसाइड की गई है, मतलब कंपनी को क्यों लगता है कि कंपनी का प्राइस इतना होगा, तो उसके पीछे फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, उसके पीछे क्या बेसिक डाटा है उस जिसके बेसिस पे आपने निकाला है, वो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. This is okay? That's all for today. तो आज के लिए हमारा इतना ही इनफ है. बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविजन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.